समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। और मोहब्बत करनी है तो वतन से करो, उन बेवफा लोगों में क्या रखा है, उन बेवफा लोगों में क्या रखा है। भारत माता की, भारत माता की। भाई जो भी करना है ना, इस जन्म में कर लियो, फिर आगे ना पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। और सबसे पहला मैं भारत माँ की पवित्र धरती को प्रणाम करूं, और इस गांव की पवित्र धरती को प्रणाम करूं जिसने ये पावन धर्म का एक उलक्ष मनाया। और सुखदेव राजगुरु भगत सिंह तो आपने नाम सुने हो, लेकिन उन जैसा बन के दिखाओ भाई। जो तुम तैयारी करते हो ना, उनका जुनून एक खुद करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर ये एक मीडिया तक भी फेमस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का आगे नाम करना चाहो ना, गुरु ने बताया था कि भाई उनका घर किस तरह है, उनका घर भी आप और हम से ही कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर इस मिट्टी के लिए कुछ करना है ना, तो एक मैंने खुद ने लिखी कविता है, ये मिट्टी पैदा करेगी रोज तुझे, ये मिट्टी ना पैदा करेगी रोज ते और जननी ना करेगी रोज तुझे, ये मिट्टी पैदा करेगी ना रोज ते और जननी ना करेगी पैदा रोज तुझे, ये दिन भी रोज ना आएगा, तलवार उठा लो रोज नहीं और रोज ना आएगा, ये रोज ना आएगा। और सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह जब हमारी सी उम्र के थे, जब उनको जेल हुई थी, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जब हमारी उम्र के थे तब उनको जेल हुई थी, और आजकल के हमारी उम्र के क्या क्या कर रहे हैं, माँ बाप की ना कटान खातिर अलग ही सिस्टम जेल में जान लाग रहे हैं। अगर कुछ बनना है ना, तो इसी संतान बन जाना, आगे का कोई पता नहीं है। हे भगवान मुझे कुछ दो तो हिंदुस्तान वतन देना, हे भगवान मुझे कुछ दो तो हिंदुस्तान वतन देना, कुछ दो तो देश भक्ति का जुनून देना, ना देना दौलत ना देना शोहरत, मुझे हर बार इस मिट्टी की संतान बना देना, मुझे हर बार इस मिट्टी की संतान बना देना। जब हमने ना गाए भारत माले गीत, अरे हमने ना गाए भारत माले गीत, तो इस युवा के खून में उभार कौन लावेगा। जब हमने ना गाए भारत माता वाले गीत, तो इस युवा के खुबान में उरन कौन लाएगा। जब हमने गा दिए किस्सा लैला और मजनू का, जब हमने गा दिए किस्सा और लैला मजनू का, तो इन झांसी वाली रानी का बलिदान कौन लावेगा, इन झांसी वाली रानी का बलिदान कौन लाओगा।